आपका स्वागत है असालिटिकल में। मित्रों, जो जिसने असालिटिकल को सब्सक्राइब कर लिया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। जिसने नहीं किया तो कोई बात नहीं, चलिए आज का वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। तो मित्रों, ये डेविस ड्रिल मशीन है। जैसे आप देख सकते हैं, ड्रिल मशीन का काम होता है दीवारों में छेद करना, जैसे टाइल में होता है। तो टाइल में भी आप इसी मशीन जैसे कर सकते हैं। हेमर ड्रिल मशीन है यह। तो मित्रों, जिस देख सकते हैं, ये हेमर ड्रिल मशीन में आपको बीट जितने मर्जी का उतने लगा सकते हैं, लेकिन ड्रिल मशीन में नहीं। जैसे मित्रों, ये देख सकते हैं, इसमें ये 6 mm का बीट है। तो ये बड़ा साइज है, इसमें 6 mm के बीट में एक छोटा साइज भी आता है। जैसे आप ये देख भी सकते होंगे, एक छोटा साइज है, वो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो जैसे ये देख सकते हैं, तो मित्रों, इस मशीन में हमें चलाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, जैसे देख सकते हैं। चलाने के लिए हमें, अगर मित्रों हमें ये जो है ये बीट है 6 mm का हमें डालना है, तो डायरेक्ट आप ऐसे डालोगे तो अंदर नहीं जाएगा ये, जैसे देख सकते हो आप, देख सकते हैं। तो मित्रों, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको नीचे करना पड़ेगा। ये जैसे ये बना हुआ रबड़ जैसा, इसको आप नीचे करने के बाद आपको ये डालना पड़ेगा, जैसे ये देख सकते हैं। तो उसके बाद आप इसको घुमा दे, जैसे ये देख सकते हैं, तो उसके बाद ये टाइट हो जाएगा। उसके बाद आप इसको ऊपर के साथ खींच कर देख ले, ये टाइट है या ये लूज है। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये टाइट हो गया, अंदर फिक्स हो गया, जैसे आप देख सकते हैं। ये अब निकलेगा, निकालने के लिए मित्रों हमें क्या करना पड़ेगा, इसको नीचे की तरफ दाबना पड़ेगा, जैसे ऐसे हाथ से ऐसे नीचे की तरफ दाब के ही हमें निकालना पड़ेगा। लगाने के लिए भी मित्रों हमें नीचे के ही तरफ डालकर लगाना पड़ेगा। तो जैसे ये देख सकते हैं, घुमा दे एक बार, ये जैसे आप देख सकते हैं, ये लग गया, जैसे आप ऊपर के साथ देख लें। उसके बाद मित्रों हमें क्या करना पड़ेगा, ये मशीन चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ड्रिल मशीन जैसे देख सकते हैं, दीवार में आपको छेद करना है। तो डायरेक्ट ये जैसे कि आप ये नीचे के साइड आपको करना पड़ेगा, बीच में है तो ये नीचे के साइड करना पड़ेगा, जिससे होता है तेज चलता है। अगर मित्रों आपको जब टाइल में आपको छेद करना पड़ेगा टाइल में, तो आपको इसको ऊपर के साइड करना पड़ेगा। जैसे ये दे रखा है स्विच, रोटरी स्विच, तो इसको आपको ऊपर के साइड करना पड़ेगा, तो थोड़ा धीरे चलेगा, जैसे देख सकते हैं। आवाज़ से आपको पता चल जाएगा, आवाज़ से आपको पता चल जाएगा कि ये टाइल पे छेद करने के लिए आपको ऊपर के साइड करना पड़ेगा, और दीवार और कहीं छेद करने के लिए आपको ये नीचे के साइड छेद करना पड़ेगा। आवाज़ से भी आपको पता चल जाएगा, जैसे ये देख सकते हैं, टाइल पे छेद करने के लिए जैसे देख सकते हैं, इसमें आपको थोड़ा सीधे चलेगा, जैसे मित्रों आप देख सकते हैं। उसके बाद मित्रों हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ये जो बटन है, इससे हम इसको ऑन चालू करेंगे मशीन को, जैसे ये देख सकते हैं, ये इसको आप दबाओगे। और उसके बाद हमें दीवार में लगाने के लिए मित्रों हमें टाइट करके पकड़ना पड़ेगा, और सीधा, अगर मित्रों थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा तो दीवार में छेद भी आपका टेढ़ा हो जाएगा, तो आप गिट्टी या पेच डालोगे तो आसानी से नहीं जाएगा, जैसे मित्रों देख सकते हैं।